चाय बना रही है हमारे लिए। चाय सहरी में बना रही है। और ये आ गई चाय, चाय इतनी सी चाय। सहरी कर लो भाइयों, सहरी वालों। हे गाइस, तो अभी हो गया जोर का टाइम, आपको अजान की आवाज आ रही होगी। आज वीकनेस वीकनेस हो रही तो उठ ही नहीं पाई। अब तो उठते हैं, फ्रेश होते हैं और नहाते हैं, उसके बाद करते हैं रोजे की तैयारी और नमाज वगैरह पढ़ते हैं। आज बहुत लेजी लेजी डे था मेरा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज है 10वां रोज़ा, और 10वां रोज़ा माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से, मैं हर व्लॉग में बोलती हूँ कि सब रोज़े अच्छे जा रहे हैं, आप लोगों के भी अच्छे जा रहे होंगे। तो बस आज सुस्ती सुस्ती हो रहा था, तो अभी बस वजू करके फ्रेश होकर आई हूँ। मैंने सोचा इंट्रो शूट कर लेते हैं। आज मैं इंट्रो बिना मास्क के शूट कर रही हूँ, लेकिन मैं एक स्टिकर लगा दूँगी छोटा सा। तो मैंने सोचा बिना मास्क के शूट करके देखते हैं। और ये बैकग्राउंड की आवाज़ आई, प्लीज़ ध्यान मत देना। और अब मिलते हैं नमाज के बाद और देखते हैं आज क्या मेन्यू है। बस आप लोग से यही गुजारिश है कि दुआओं में याद रखें हमें भी, फिलिस्तीन को भी, गाज़ा को भी। प्लीज़ उन लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें और उनकी परेशानियों को अल्लाह ताला दूर करे। अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस, चले चलते हैं। ये देखो हमारी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। ये भी उबाल रही हूँ दाल मोट, ये भी हल्दी डाली है तो ऐसे लग रही है। चावल भीग गए हैं और यहाँ पर हो रहे हैं क्या कहते हैं छोले बॉईल। बेरोजगार है, बेरोजगार। और तुम बेरोजगार हो, तुमने रोजे नहीं रखे? अरे भाई, मेरी मामा मुझे कुन्ने खिलाती। दारू तूने भी रखा रोजा? इसने भी नहीं रखा, इसने भी नहीं रखा। बेरोजगार के बावजूद भी बर्तन धोती हुई। ये ठूस रही तो है तू। छोले हो चुके हैं देखिए बॉईल। तो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ लेने के लिए पाव, क्योंकि आज मेरा इरादा है वड़ा पाव बनाने का। तो चले चलते हैं पाव लेने के लिए और देखते हैं बाहर बकरे क्या कर रहे हैं। बहुत गंदगी हो रही है भैया, ये बकरा मारता है एक तो। बैठा नहीं थी। क्या हाल हो रहा है? और हाँ, मैंने लाइट भी लगाई है देखिए, और अभी रात को जला के दिखाऊंगी आपको कैसी लगी। तो गाइस, आज तो पूरा हाउसफुल हो रहा है, पूरे चूल्हे बिजी हैं। देखिए अब चारों के चारों चूल्हे बिजी हैं। इसके अंदर बन रही है बिरयानी, इसमें बन रहा है जरदा, इसमें बन रहा है कीमा। वो डबल गिर गया उसमें कुकर में, और मैं बनाऊंगी वड़ा पाव, इनको करूँगी थोड़ा सा मक्खन के अंदर फ्राई। सो गाइस, ये बन रही है हमारी आलू की पकौड़ी, ये रह रही है, थोड़ा सा बैटर रह गया, इसमें और आलू डाल लेंगे। और वड़ा पाव के लिए हमने वड़े वड़े बना लिए हैं। सो गाइस, ये हमारे पाव वड़े पाव रेडी हैं। लेके जाओ, लेके जाओ। हाँ, वड़ा पाव की चटनी है, इमाद के हाथ में है। छोले हैं जो कि अभी अंदर जाएंगे लेके। चलो अंदर लेके चलो। तो बस ज़्यादा शूट कर नहीं पाए, आ गए हम डायरेक्ट दस्तरखान पर। तो बस अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और अल्लाह से दुआ करना हमारे लिए भी और सबके लिए और फिलिस्तीन के लिए। तो ज़रूर ज़रूर दुआ की दरख्वास्त है आप सब लोगों से, हम तो कर ही रहे हैं, आप भी प्लीज़ करना ज़रूर। हो जाता है इमाद, यूँ कह रहा है, मुँह चढ़ा दे इमाद से, मुँह चढ़ा दे से। सो गाइस, मैंने हमारी लाइट लगाई थी पेड़ पर सुबह, तो अभी रात को तो मैंने जला के देखी है, तो माशाल्लाह से अच्छी लग रही है। तो बस यही वीडियो का एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।